कहानी नंबर 76, कुएं की बदबू। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम बुद्धिमान व्यक्ति के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी उसके पास पहुंचे और बोले, गांव भर में एक ही कुआ है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि उससे बदबू आ रही है। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे और वे बाहर नहीं निकले, उसी में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कौन पिए? उस व्यक्ति ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। इस पर कुएं में गंगा जल की 8-10 बाल्टी डलवाई गईं, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर से उसके पास पहुंचे। अब उसने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों। लोग फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे। अब वह बोला, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। लोगों ने फिर कहा, हाँ अवश्य। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही। लोग फिर निराश होकर उसके पास गए। अब वह खुद चलकर आया और लोगों ने कहा, देखो वही की वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीजें डाली, लेकिन हालत वही की वही। अब वह आश्चर्यचकित हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बदबू क्यों नहीं गई। तो उसने पूछा कि तुमने सब कुछ तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उनको निकालने के लिए ना आपने कहा ना हमने निकाला, वे कुत्ते तो वहीं के वहीं पड़े हैं। वह व्यक्ति बोला, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे तब तक इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। सच में ये कहानी तो आपकी और हमारे जीवन की है। इस आत्मा नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये मिथ्यात्व, क्रोध, मान आदि के कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम में से इन्हीं मिथ्यात्व और कषाई की बदबू आती है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, थोड़ा यह कर लो, थोड़ा पूजा कर लो और थोड़ा पाठ कर लो। हम सब करते हैं पर बदबू ज्यों की त्यों रहती है। अगर हमें इस बदबू को निकालना है तो पहले तत्व ज्ञान के अभ्यास से इस मिथ्यात्व और क्रोधादि कषाय को निकालकर बाहर करना होगा, तभी हमारा जीवन उपयोगी होगा। संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारी एक भी कहानी मिस नहीं करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। आपका यह छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।